फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग के पास जो पैन कार्ड रहता है, इस पैन कार्ड में ओनली नेम रहता है, फादर नेम रहता है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, लेकिन उसमें एड्रेस कौन सा रहता है वो पता नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग मेरे को कॉमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग कैसे जाने कि जो मेरा पैन कार्ड है, पैन कार्ड में कौन सा एड्रेस दिया हुआ है, जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था या मैंने ऑफलाइन किया था उस टाइम कौन सा एड्रेस दिया था मुझे याद नहीं है, तो मैं कैसे निकल सकता हूँ कि मैंने कौन सा एड्रेस इधर पुट किया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप देखते रहिए, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स पता चलेगा कि आपका पैन कार्ड में कौन सा एड्रेस दिया हुआ है, जिसमें सब कुछ डिटेल्स रहेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इस ट्रिक से आपको पता चलेगा, आप देख भी सकते हो, मैं ऑनलाइन आपको निकल के दिखाऊंगा मेरा जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में कौन सा एड्रेस है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग तो वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पैन कार्ड में एड्रेस कौन सा है वो चेक करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट में। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो आने के बाद आप देख सकते हो आपका जो पैन नंबर है, पैन नंबर इधर आपको एंटर करना होगा, फिर आपका जो आधार नंबर है, आधार नंबर को इधर एंटर करना होगा, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का मंथ और जो ईयर है, ईयर को इधर आपको एंटर करना होगा, फिर आपका जीएसटी नंबर है तो इधर पुट कर दीजिए, पुट करके जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स को आप टिक करके आप जो कैप्सा को पुट करके आप सबमिट कर दीजिए। तो देखिए मैं आपको फटाफट से पुट करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने जो पैन नंबर, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ का जो भी है मैंने एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद जीएसटी नंबर अगर है तो पुट कीजिए, अगर नहीं है तो करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर चेकबॉक्स को टिक करके जो कैप्सा है, कैप्सा को इधर आप एंटर कर दीजिए। तो देखिए अगर आपको कैप्सा समझ में ना आए तो रिफ्रेश कर दीजिए, रिफ्रेश करने के बाद दूसरा कैप्सा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए मैंने टाइप कर दिया, टाइप करके सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद आपका जो भी डिटेल्स है, सब कुछ डिटेल्स इधर शो हो जाएगा। देखिए जो पैन नंबर है, पैन नंबर इधर शो हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर है वो भी शो हो जाएगा, आपका ईमेल आईडी कौन सा रजिस्टर है वो भी शो हो जाएगा, फिर आपका हाउस नंबर, डोर नंबर जो भी है वो शो हो जाएगा, आपका की आर ऑफ शो हो जाएगा यानी आपका फादर नेम कौन सा है शो हो जाएगा, फिर आपकी स्ट्रीट, आपका लोकेलिटी, आपका विलेज, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट सब कुछ शो हो जाएगा। लेकिन आपको क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का जो कुछ लेटर आपको शो होगा तो उसमें से देख के आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि कौन सा प्लेस का नाम लिखा हुआ है। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा क्योंकि आपका ये एड्रेस है, आपको फर्स्ट और लास्ट जो लेटर है वो देख के ही आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड का एड्रेस आप चेक करके देख सकते हो कि कौन सा एड्रेस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट बॉक्स कॉमेंट कीजिए, मैं कॉमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।